स्वागत स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें सॉल्यूशन देखते हैं क्विज नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 में इससे कहा कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है 180 की, वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट है 40 रुपए की, कमीशन ऑन सेल्स है 4% का और एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेट ऑफ सेलिंग प्राइस, नेट ऑफ सेलिंग प्राइस आपकी क्या होगी बच्चों, वो होगी सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन, तो आपके बाद आ जाएगी नेट सेलिंग प्राइस। और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 50% ऑफ नेट सेलिंग प्राइस है, 50% ऑफ नेट सेलिंग प्राइस है। फिक्स कॉस्ट पर एनम आपको दे दी 1.5 मिलियन और एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट दे दी आपको 8,250। अब कह रहे हैं कैलकुलेट ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड प्रॉफिट। सबसे पहले मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना होगा, मगर मेरे पास इतना डेटा गिवन है कि मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ड्राइव कर सकूं। चले सर किस तरह हम करेंगे, सबसे पहले सर मैं निकालता हूं सर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कौन सी है सर, दो है, एक तो मेरे पास प्रोडक्शन कॉस्ट और एक है मार्केटिंग कॉस्ट, 180 की और 40 रुपए की। मतलब मेरे पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो है सर 220 रुपए की। और सर मैंने एक बचपन से फॉर्मूला पढ़ा था सर, कौन सा पढ़ा था सर, सर मैंने पढ़ा था सेलिंग प्राइस जो होती है वो क्या होती है सर, सर वो होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर जो मेरा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना वो इसका है 50%। मतलब अगर ये मेरा एक्स है सही है और ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है सर 220 की, तो ये मेरे पास क्या है 50% ऑफ एक्स। ठीक है सर, सर 50% ऑफ एक्स है तो मैं क्या करूँ सर, एक्स माइनस 0.5x, बस इक्वेशन को सॉल्व कर लो 220, तो सर एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा सर 440। मतलब सर मेरे पास जो नेट सेलिंग प्राइस है, नेट का मतलब सर कमीशन निकाल के जो आती है सर वो आती है 440। अब सर ये 440 रिप्रेजेंट किसको कर रही है सर, ये नेट ऑफ कमीशन सर ये मतलब 96% को कर रही है सर, कैसे, 1-4%। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास जो सर अगर मैं कहूँ सर सेलिंग प्राइस कितनी है, तो सर मैं कहूँगा 440 डिवाइडेड बाय 96%, तो सर मेरे पास आ गई 458.33 समथिंग। और सर मेरे पास ये चीज़ तो आ गई, अब क्या करना है, चलिए सर मैं थोड़ा परफॉर्मेंस का बना लेता हूँ सर कैसे बनाया। सर सेलिंग प्राइस मेरे पास आ गई सर 458.33 की, सर मेरे पास जो कमीशन है वो मेरे पास आ गया 4% ऑफ सेलिंग प्राइस, सर वो कितना आता है सर, वो आता है 18.33। तो सर मेरे पास जो नेट सेलिंग प्राइस है सर वो आ गई 440। जैसे मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, जी सर माइनस कर कितनी सर 220, तो सर मेरे पास जो अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया सर वो भी आ गया 220 का, जो 50% है आपकी नेट सेलिंग प्राइस का। सर अब मैं क्या करूँ, ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लूँ, जी सर निकालने बहुत इजी है, अब तो आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है और आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी गिवन है। अब सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास है 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 220, तो सर मेरे पास ये लगभग आ गए 6,818 यूनिट्स। और सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 458.33 से, तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। ब्रेक इवन सेल्स मेरे पास कितनी आएगी सर, वो मेरे पास आएगी अगर मैं उसको एग्जैक्ट लेके जाऊँ 3,125,000। सर उसको उस तरीके से करके दिखाएं मुझे सर, कौन से तरीके सर, वो जो करते थे हम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो। ठीक है सर 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 50%, नहीं 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 50% नहीं होगा, क्यों, ये जो 50% है ये आपका नेट सेलिंग प्राइस का 50% है। सीएमआर रेशियो आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, अगर आप सर इसको करेंगे डिवाइड तो आपके पास ये आ जाएगा 48%। तो सर जब मैं इसको 48% से डिवाइड करूंगा तो सर मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 3,125,000। हमेशा याद रखना ये मैं सीएमआर निकालता हूँ और टोटल सेल्स प्राइस से निकालता हूँ, मगर जो मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ था वो नेट दिया हुआ था सेलिंग प्राइस के, नेट सेलिंग प्राइस के दिया हुआ था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेलिंग प्राइस के नहीं दिया हुआ था। तो मैं इसको, ये तो उसका 50% है, लेकिन अगर मैं देखूंगा 50% का 96% कितना है, तो सर वो कितना होता है 48%। 50 को जब मल्टीप्लाई करना 96% आपका 48% बनता है। ठीक है सर ये आ गया, बाकी सर क्या आ गया मेरा सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इजी है, आपके पास टोटल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, तो सर टोटल यूनिट सोल्ड कितने हैं मेरे पास सर, वो है मेरे पास 8,250 यूनिट्स, और ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हैं जो मैंने कैलकुलेट किया 6,818। तो सर ये कितने आ गए सर, ये मेरे पास आ गए आपके 1,432।
सर इसको मैं अगर उसको निकालूँ तो दो तरीके हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ उसकी सेल्स प्राइस से, जो आपके यहाँ 458.333 रुपये कितनी थी, तो सर ये आपके पास आ जाएगी कितनी, 656,250। तो आपके पास आ गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपके सर एक आंसर यहाँ से ड्राइव हो गया ब्रेक इवन यूनिट्स का, आपके पास आ गई ब्रेक इवन सेल्स जो मैं दो तरीकों से करके दिखाई है, बाकी आपके पास आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स, बस आपके पास आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अमाउंट। और सर एक चीज़ रह गई प्रॉफिट। सर प्रॉफिट तो वही एक फॉर्मूला हम जो क्विज नंबर वन से देखते हुए आ रहे हैं, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय CMR। सर CMR कौन सा, 48%, 48% CMR यहाँ पे आएगा, 50% मत ले लेना। तो मार्जिन 50 के लिए 656,250, मतलब 48% आपका आ गया प्रॉफिट। तो आपका जो प्रॉफिट आया वो आया आपके पास कितना, 315,000। सर ये 48-50% में कन्फ्यूजन है सर, ये हो सकता है 50% से, चलो डेटा को चेक कर लेते हैं क्या मैंने 48% सही निकाला है या नहीं निकाला। चले सर चेक करते हैं। सर मेरे पास टोटल सेल्स है कितनी, सर सेल्स है मेरे पास 8,250 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 458.333 जो सबसे ज़्यादा, मैं एग्जैक्ट अमाउंट ले रहा हूँ, तो मेरे पास आ गई 3.781250 मिलियन। ठीक है सर, 37,81,250। बाकी सर मेरा कमीशन, सर कमीशन कितना है मेरा, सर मेरा कमीशन है 4% ऑफ किसका, 3781250 का, तो सर 4% निकाला सर वो मेरे पास आया 151,250। तो सर मेरे पास जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स मेरे पास नेट सेल्स आ गई आपकी 3630000, ये आ गई सर नेट सेल्स, इसका 50% कंट्रीब्यूशन मार्जिन था। अब सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, सर सर मैंने निकाली हुई है कहाँ पर, ये रही सर कितनी है, सर टोटल मैं 220 ले लूँ या अलग अलग लूँ, सर आपकी मर्ज़ी, मैं टोटल एक साल लेता हूँ, टोटल 220 रुपये की है। तो सर अगर मैं 220 को मल्टीप्लाई कर दूँ 8,250 से, तो सर मेरे पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी आ गई 1,815,000। और सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी मेरा इतना ही आया। सर ये कैसे हुआ, ठीक है बेटा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होगी, 50%। बाकी सर क्या रह गया, सर फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट निकाल दो बच्चों 1.5 मिलियन की, तो आपके पास क्या बच गया एंड में, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना है आपका, 315,000 रुपये। ईजी था। चलें सर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था सर, सर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹160, CM रेशियो है 40%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 60% ऑफ 160। ठीक है सर 60% होगी मेरे पास। बाकी सर ये कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, मतलब ये जो 60% है ना इसके क्या कंपोनेंट है, इसके अंदर एक डायरेक्ट मटेरियल 50% का, डायरेक्ट लेबर 35% और वेरिएबल ओवरहेड 15%। सर ये कह रहा है द कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन वेयर बाय द फॉलोइंग इंक्रीजेस एंड रिडक्शन इन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस विल बी ऑब्जर्व्ड। सही है, मैं कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल 10% से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 90% जो अभी जो उसकी प्राइस होगी उसका 90% हो जाएगी। सर डायरेक्ट लेबर की भी 20% रिडक्शन, मतलब सर जहाँ मैं 100 रुपये देता था वहाँ मैं 80 रुपये दूंगा, उसको मैं 80% से मल्टीप्लाई करूँगा। सर वेरिएबल ओवरहेड 15% से इंक्रीज हो जाएगी, सर इसको मैं 115% से मल्टीप्लाई करूँगा। बाकी सर सेलिंग प्राइस भी 10% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है सर उसको मैं 110% से मल्टीप्लाई कर दूँगा। फिर सर ये कह रहा है कि इफ फिक्स कॉस्ट आर रिपोर्टेड टू बी 1.8 मिलियन विथ ओल्ड मशीन, मतलब सर ये वाली जो ओल्ड मशीन है, एंड एन इंक्रीज ऑफ 5% विथ न्यू मशीन, मैं न्यू मशीन लेता हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी, 5% इंक्रीज हो जाती है। कैलकुलेट हाउ मेनी एक्स्ट्रा या लेस यूनिट्स यूज बी सोल्ड टू ब्रेक इवन एज कम्पेयर टू ओल्ड सेटअप, मतलब सर मुझे दोनों सेटअप की एक ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना है, फिर उसको मैं कंपेयर करना। सर मैं ब्रेक इवन कैसे निकालूंगा, मेरे पास सर डेटा तो परसेंटेजेस वगैरह में दिया हुआ है, बस एक ही अमाउंट दी हुई है 160 की। चलो बच्चे उसको वर्कआउट करते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 2 हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है सर। सर मेरे पास सेलिंग प्राइस है कितनी, 160 की, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सर वेरिएबल कॉस्ट है सर 60%, सर 160 का 60% आपका कितना होता है, सर वो होता है 96, ठीक है सर मेरे पास 96 है।
अब से 96 के जो है ना, सर मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा ओल्ड और एक न्यू सेटअप, मैं दो सेटअप बनाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। सर ये 96 की ना तीन चीज़ें क्या है सर, एक है सर डायरेक्ट मटेरियल, एक है सर मेरे पास डायरेक्ट लेबर, और सर एक है मेरे पास क्या, वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड्स। तीन सर इसके मेरे पास हुए वेरिएबल ओवरहेड। सर डायरेक्ट मटेरियल है वो कंस्टिट्यूट कर रहा है 50%, डायरेक्ट लेबर कंस्टिट्यूट कर रहा है 35%, एंड वेरिएबल ओवरहेड कंस्टिट्यूट करता है 15%। मतलब सर अगर मेरे पास 160 रुपये की सेलिंग प्राइस थी, सही है 160 की थी मेरे पास सेलिंग प्राइस, अब ये मैं लाऊंगा यहाँ पे चेंज। पहले सर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, 96 का जो मेरा बेटा आपका 50% है वो आता है 48 का, वेरिएबल कॉस्ट में मैं उसको लेस में लिखूंगा, ठीक है। ये आपकी सेलिंग प्राइस यहीं से आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से आ रही है, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। भाई सर डायरेक्ट लेबर मेरा 35% रिप्रेजेंट कर रहा है 33.6 को, और सर वेरिएबल ओवर है 14.4। मतलब सर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओल्ड है सर वो आया 64 रुपये का, जो सर 40% आपका रिप्रेजेंट कर देगा किसका, सेलिंग प्राइस का 160 का। बाकी क्या है सर मेरे पास, सर बाकी मेरे पास है फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, वो है सर यहाँ पर 1.8 मिलियन। मुझे क्या है सर ब्रेक इवन, तो सर ब्रेक इवन मैं कैसे निकालूँ सर, सिंपल है फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, यहाँ पर मेरा क्या आएगा सर, मेरा यहाँ पर आएगा आपका 1.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 64, तो सर मेरा यहाँ पर आ गया आपका 28,125। सर ये तो हो गया। अब सर सेलिंग प्राइस अब मैं क्या करूँ न्यू ईयर पे आने के लिए, सर मुझे चेंज करना है, सेलिंग प्राइस मेरी इंक्रीज हो रही थी 10% से, मतलब मल्टीप्लाई कर दूँ 1.1 से। सर डायरेक्ट मटेरियल जो है ना मेरा रिड्यूस हो रहा था 10% से, डायरेक्ट लेबर 20% से, और 15% से वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज हो रहे थे। तो मतलब सर मेरी जो ये है वो आपकी हो जाएगी 90%, मतलब सर 0.9, ये सर मेरा 0.9 हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर मेरा हो जाएगा 0.8 क्योंकि सर 20% रिडक्शन है, और वेरिएबल ओवरहेड को मैंने 15% से इंक्रीज करना है। तो सर मेरे पास न्यू फिगर्स क्या है सर, 176 रुपये की आ गई सेलिंग प्राइस, 43.2 की रिडक्शन के बाद मेरे पास क्या आ गई आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आपका रहेगा 26.88 का, और आपका जो वेरिएबल ओवरहेड है वो आ गई सर 16.56। सर ये मेरे पास आ गया नए साल का डेटा, और सर इसके हिसाब से मेरे पास जो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनी सर वो बनी 89.36 की। और सर इसने क्या कहा कि फिक्स कॉस्ट हमारी इंक्रीज जाएगी 5% से, तो अगर सर 5% का तो 90,000 बढ़ जाएंगे इसके, तो 1.89 मिलियन। तो सर इसका हमारे पास वो कितना आ जाएगा सर, वो मैं देख लेता हूँ, 1.89 मिलियन डिवाइडेड बाय 89.36, तो सर मेरे पास जो ब्रेक इवन यूनिट्स आए सर वो यहाँ पर आ गए कितने, 21,000 राउंड ऑफ करके 150 के। मतलब सर पहले मैंने करे थे 28,125 ब्रेक इवन करने के लिए, अब जो मैं न्यू सेटअप के साथ आऊँगा तो 21,150, तो मतलब मैंने लोअर यूनिट्स वो करने हैं। अगर मैं इसको उससे माइनस करूँ तो सर मेरे पास आ जाएगा माइनस के अंदर 6,975 लेसर यूनिट्स। यही सर सवाल की रिक्वायरमेंट थी आपकी, और ये आपका आंसर आ गया, ये आपके यूनिट्स, ठीक है सर। दो सवाल हो गए, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है लास्ट ईयर वो थी 9 लाख रुपए की, सर मेरे पास प्रॉफिट था 1,80,000 रुपए का, और सर फिक्स कॉस्ट थी मेरे पास 4,20,000 की। सर कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो परसेंटेज है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो इस साल का जो परसेंटेज होगा वो 25% से इंक्रीज हो जाएगा। सर ये बाय 25% है, यहाँ पे सर मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूँगा। सर हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, तो होता है बाय या टू। लेट सपोज मेरे पास एक फिगर आ जाता है 40% लास्ट ईयर कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, और कहता है सर ये इंक्रीज हो जाएगा बाय 25%, इसका बेटा मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप इसके अंदर प्लस 25% कर दें, नेवर एवर। इसका मतलब होता है जो 40% है ना, ये अभी आपका 100 आपकी बेस है, और ये आपकी 25% से बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब सर ये हो जाएगा 50%। सर अगर मैं आपको कहता
यार आपकी करंट ईयर की जो है ना नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू वाली विल इंक्रीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाता 225%, सही है? तो सर क्या होता है, इंक्रीज नहीं फिर डिक्रीज होता। सर मैं कह रहता हूँ फॉर एग्जांपल 2 या 25% है, 2 आ जाता 60%। अब सर मैंने कुछ नहीं करना, कोई कंफ्यूजन नहीं करनी, सिंपल मेरा नेक्स्ट ईयर का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो 60% होगा। हमेशा याद रखना ये टू और बाय ये है दो लेटर के वर्ड्स, लेकिन ये पूरा आंसर का गेम चेंजर कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। चले सर यहाँ पे छोटी सी डिस्कशन ये करनी थी, मैंने कर दी आपको। बाकी क्या है सर, कह रहा फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, सही सर। फिक्स कॉस्ट तो मुझे दी हुई है इसने 4,20,000 की, और कह रहा सर सेल्स वुड इंक्रीज बाय 40%। सर ये क्या सवाल है, कुछ भी नहीं गिवेन, ना सेल्स गिवेन है, ना फिक्स कॉस्ट गिवेन है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं पता, बस फिक्स कॉस्ट दे दी है, बाकी परसेंटेज में खेल रहा है, और बाकी कह रहा है कैलकुलेट इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट ईयर। चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक फॉर्मूला जो आप लोग मेरे ख्याल से फर्स्ट क्विज से ही देख रहा हूँ, उसको उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर मैं हमेशा कहता था प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स नहीं होते। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट निकलता है। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो तो निकल जाएगा, जी सर निकल जाएगा, मेरे पास ये प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों गिवेन है। तो सर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सर बन जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर प्रॉफिट तो मेरे पास है 1,80,000 का, जी सर, और सर मेरे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो है सर 9 लाख की। तो सर मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो रेशियो लास्ट ईयर का है सर वो है 20%। चले सर ये चीज़ तो निकल गई, ये है 20%। सर अब क्या करना है, सर जब 20% है और इस साल का है कि बाय 25% इंक्रीज हो जाएगा, बाय 25%, तो सर ये मैं अगर उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास नेक्स्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा सर, तो मेरे पास आएगा 25% का। चले सर अब तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन का आपने ये निकाल दिया, सही है। सर क्या हम इसको किसी और तरीके से वो कर सकते हैं कि यार मेरे पास फिगर आ जाए कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, क्योंकि सर मेरे पास सेल्स प्राइस तो गिविन नहीं है, 20% निकाल के मैं करूँगा क्या? चले सर इसके लिए मैं परफॉर्मा बनाता हूँ आपके प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है सर। प्रॉफिट की एक मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, यहाँ मैं बनाता हूँ प्रीवियस ईयर और यहाँ मैं बनाता हूँ नेक्स्ट ईयर। सर सबसे पहले मुझे चाहिए होती है सेल्स, वो मेरे पास गिवन नहीं है, प्रीवियस ईयर की भी नहीं गिवन। सर मैं लेस करता हूँ क्या, वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सर मेरा प्रीवियस ईयर में अगर वहां पर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% है तो सर ये आपकी 80% होगी, ठीक है सर। फिर सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया कितना सर, वो है 20% जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है सर। सर ये एक्स वाई जेड अमाउंट आएगी, मुझे ये भी नहीं पता अभी, मुझे ये भी नहीं पता, और सर मुझे ये पता है कि फिक्स कॉस्ट कितनी है। सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास है 4,20,000 की, और सर मेरे पास जो प्रॉफिट है, लॉस नहीं है मेरे पास, क्या है सर जो प्रॉफिट है सर वो है 1,80,000 का। मतलब सर ये चीज़ हो गई तो मैं क्या बैलेंसिंग फिगर ले सकता हूँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन को? सर कैसे ले सकते हैं, सर एक फॉर्मूला है ना यार छोटा सा, क्या हुआ कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आता है आपका, प्रॉफिट या लॉस। तो सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब सर यहाँ पर मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी 6 लाख रुपए, जिसमें से मैंने 4,20,000 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गई, 1,80,000। सर ये मेरे पास आ गई क्या, 6 लाख की बैलेंसिंग फिगर, मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 6 लाख। सर अब सर अगर 6 लाख रुपए 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल सेल्स मेरी क्या होगी, उसको मैं डिवाइड कर दूँ 20% से 6 लाख को, सही है सर। तो मेरे पास आ गई सर 3 मिलियन, और सर 3 मिलियन का जो 80% है वो आपके पास क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 80% से, तो सर ये आपके पास आ जाएगा 2.4 मिलियन। हाँ सर ये तो हमारे पास आ गया, प्रीवियस ईयर का बन गया। सर अब नेक्स्ट ईयर में क्या मंजन है, सर नेक्स्ट ईयर में क्या है, सर क्या कह रहा है आपके पास कि सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाएंगी किससे सर, 40% से। सर सवाल में गिवन है कहाँ गया, ये रहा कि सर आपका सेल्स वुड इंक्रीज बाय 40% और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। बाकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज का बताया, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज का बिल्कुल भी नहीं कहा कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी। तो सर मेरे पास जो नेक्स्ट ईयर है आपके पास जो सेल्स आ जाएगी सर वो आ जाएगी 4.2 मिलियन की। सर वेरिएबल कॉस्ट अब कितनी है, सर जब मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पर 25% है, सर कहाँ से है,
सर ये रहा, ये मैंने कैलकुलेट किया ना, ये मैंने उठा के बस यहाँ डाल दिया, ये 20% उठा के यहाँ। तो सर वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी होगी? सर वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट होगी 80%। तो 4.2 मिलियन को अगर मैं 80% से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है बेटा? मेरे पास आ जाता है सर 3150000। तो सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा कितना आ गया? सर वो आपका आ गया 1050000। नेक्स्ट जगह का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। बाकी सर फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 10% से, मतलब 42,000 से बढ़ जाएगी, तो सर ये हो जाएगी 462,000। तो सर मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा इस साल का सर वो आ जाएगा 588,000 का। बाकी सर हमने पूछा है कि क्या प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा, तो सर मैं इन दोनों का डिफरेंशियल देखूं तो सर मेरे पास आंसर आ गया 408,000 इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है प्यारे बच्चों, आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं था ये वाला। चले सर अब क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंपनी सेल्स 3 प्रोडक्ट्स, मतलब जिंगर, टिक्का, रोल सब एक साथ ही मिल रहा है, यानी कब क्वारंटाइन खुलेगा। कंपनी सेल्स 3 प्रोडक्ट्स, सेलिंग प्राइस ए की दे रही 120 की, बी की दे रही 280 की और सी की दे रही 50 की। इनका सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दे दिया कि 30%, 40% और 60%। भाई सर रेशियो यूनिट्स दे दिए 1, 3 और 8, मतलब सर अगर एक ए बिकता है तो उसके साथ 3 बी बिकते हैं और 8 सी बिकते हैं। और सर अगर टोटल सेल्स जनरेटेड फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स 36,040,000 की आपकी टोटल सेल्स जनरेट होती है, कैलकुलेट द टोटल सी एम ऑफ ऑल प्रोडक्ट सेपरेटली, हर प्रोडक्ट का मुझे सेपरेटली करना है। सर ये मैं कैसे करूंगा? सर अगर मुझे ये पता चल जाए ना 36 मिलियन में मेरे कितने ए बिके हैं, कितने बी बिके हैं, कितने सी बिके हैं, और उनको मैं रिस्पेक्टिव उनके कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई कर लूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सर ये मैं कैसे करूँगा? चले सर करते हैं, साथ मिलकर करते हैं हम दोनों। चले सर बिस्मिल्लाह। सर मेरे पास एक है ए, एक प्रोडक्ट है बी और एक प्रोडक्ट है सी। ए की मेरे पास जो सेल्स जनरेट करके देता है ना सेल्स, वो 120 की करके देता है। और यूनिट्स कितने सोल्ड होते हैं इसके? सर इसके यूनिट सोल्ड होता है एक, मतलब अगर मैं इसको उससे मल्टीप्लाई करूँ तो 120 की सेल्स जनरेट करके देता है रेशियो के हिसाब से पर पैकेट। सर मैं पैकेट की सेल्स बना रहा हूँ कि यार मैं एक पैकेट बनाता हूँ, एक डब्बा बनाता हूँ, जैसे इफ्तार बॉक्स की डील हो गई, 8 खजूरें हो गई, उसके अंदर 3 आपके स्प्रिंग रोल हो गए और एक आपका बिरयानी की थैली आपको दे दी। ठीक है सर मैं एक पैकेट बनाता हूँ। बाकी सर बी जो है, बी सर मैं बेचता हूँ 280 का, लेकिन उस डब्बे के अंदर 3 बी होते हैं, 3 स्प्रिंग रोल मैं बेचता हूँ उसके अंदर। तो सर ये मेरे पास कितनी जनरेट करके देते हैं? सर ये 840 रुपये की सेल जनरेट करके देते हैं। और बेटा उसी डब्बे के अंदर जो खजूरें मेरे पास रखी हुई हैं, पकौड़े रखे हुए हैं, सर वो मैं 50 रुपये का एक सेल करता हूँ और वो 8 रुपये 8 क्वांटिटी बिकती है एक डब्बे के अंदर, मैं पैकेज डील बना के दे रहा होता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो सर ये मेरे पास जनरेट करके 400, मतलब सर ये पूरा डब्बा अगर मैं बेचता हूँ तो सर ये मुझे 1,360 रुपये की सेल्स जनरेट करके देता है। और सर मुझे पैकेट्स निकालने हैं, टोटल पैकेट सोल्ड कि सर कितने टोटल पैकेट्स मेरे जो हैं जो मैंने बनाए वो बिके। तो सर वो कैसे होगा? सर इजी है, सर मैं टोटल सेल्स में डिवाइड कर दूं आपकी पर पैकेट सेल्स, पर यूनिट की सेल्स, सेल्स पर पैकेट, तो सर मेरे पास डब्बे आ जाएंगे। सर कैसे आएंगे? सर ये आ गए, सर ये 36,040,000 को टोटल सेल्स को मैं डिवाइड कर दूं 1,360 से तो सर मेरे पास जो इसका आंसर आता है सर वो आपके पास आता है 26,500 डब्बे। सर मैंने 26,500 पैकेट्स में बेचे। सर 26,500 जो पैकेट्स थे इसमें क्या क्या था टोटल, अगर मुझे बताएं सर क्या क्या था? सर मेरे पास इसके अंदर एक ए था, सर इसके अंदर मेरे पास बी थे 3 और सर सी थे 8, मतलब सर 26,500 को मैं मल्टीप्लाई करूँ इन चीज लोगों से तो सर उसके अंदर जो मैंने टोटल सेल्स किए ना वो सर 26,500 बिरयानी मेरे पास उस डब्बे के अंदर से थ्रू बिकी है आपका 79,500 आपके स्प्रिंग रोल उसके अंदर बिके और बाकी पकोड़े या खजूर वो आपकी बिकी 2,12,000 की। ठीक है सर, सर ये क्वांटिटी है,
ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी भी की है 26,500, 79,500, क्योंकि सर जब मैंने उसको उसकी सेल पर डिवाइड किया तो मेरे पास ये नंबर ऑफ पैकेट्स आ गए कितने बिके, और उस पैकेट में एक क्वांटिटी थी। और सर मैं क्या करूँ, मेरे पास पूछा गया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। सर मैं पर यूनिट की कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालूँ, पर यूनिट कितना है? सर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालता हूँ। सर मेरे पास जो आपके ए हैं सर, वो ए मेरे पास आते हैं कितने, 120 का अगर मैं बेचता हूँ, 120 की सेल जनरेट होती है सर, 30% मेरे पास इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका 30% है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और आपका सर ये 100, आपका ये 280 का बिकता है, और आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करते हैं कितना सर, 40% का। और सर आप जब सी बेचते हैं कितने का सर, 50 रुपये का, तो सर इसके अंदर 60% कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। तो सर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका निकाल लूँ, सर कितना आएगा? सर ये मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए का, सर मेरे पास आ गया कितना, 36 रुपये। सर बी का मेरे पास आ गया 112 रुपये, और सर सी का मेरे पास आ गया 30 रुपये। अब क्या करूँ सर, बस सिंपली सर मल्टीप्लाई कर दें इनको, इससे मल्टीप्लाई करें सर क्या आंसर आता है? सर ये ऊपर वाले के लिए खाली वर्किंग थी, इससे इसको मैंने अलग पेन से किया है। तो सर मेरे पास जो आपका आया सर, ये आया 954,000 का ए से जनरेट हुआ, 8.9 मिलियन की आपकी बी से कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट हुआ, और सर आपका 6.36 मिलियन, पकड़ो सर काफ़ी कमा लिया आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट हुआ। मतलब सर अगर मैं सबको टोटल करूँ तो मेरा सर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 16,218,000। ये तो सर मैंने अपने लिए किया ऐसे ही, वरना सर ये देखें कि आपका जो आंसर है ना वो ये, कि आंसर की रिक्वायरमेंट ये थी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर प्रोडक्ट वाइज, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रोडक्ट वाइज। चले सर लास्ट सवाल रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं सर इसमें क्या मंजन है। सर इसने हमें लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिए हैं, ईयर 1 और ईयर 2। सेल्स कह रहा है सर 5 लाख की है ईयर, और टोटल कॉस्ट है 5.5 लाख की, तो आपके पास लॉस बिफोर टैक्स आ गया, तो लॉस पे आप टैक्स देते नहीं हो, तो आपका लॉस आफ्टर टैक्स आ गया 50,000 का। सर ईयर 2 में कह रहा है कंपनी ने सेल्स की 16,50,000 की, सर टोटल कॉस्ट इसने दी है 12,40,000। सर ये टोटल टोटल कॉस्ट की क्या है? सर मतलब इसके ना 2 कंपोनेंट होंगे बच्चों, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो सर मेरे पास जो टैक्सेशन है सर वो है 1,31,200 का, मतलब सर ये इसका कोई परसेंटेज होता है ना, तो सर अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1,31,200 को 40,000, सर ये 32% आ जाता है मेरे पास। फिर सर मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है 2,78,800 का। सर कह रहा है नेक्स्ट ईयर, मतलब ईयर थ्री में कंपनी विशेस टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 442,000। बच्चों ये हमेशा जो टारगेट प्रॉफिट होता है ना, ये आपका आफ्टर टैक्स होता है, हमेशा याद रखना कि जब भी ये आपको गिवन हो ना विशेस टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, तो हमेशा इसको अज्यूम करोगे आफ्टर टैक्स, अनटिल एंड अनलेस सवाल के अंदर गिवन हो के बिफोर टैक्स, जो कभी होगा नहीं, मगर एग्जामिनर का आपको पता नहीं आया कि आपका वो कभी भी खेल सकता है। फिर सर कह रहा है प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपिक्टिंग द सेम, मतलब सर यही मुझे नक्शा उतारना है ईयर थ्री के लिए। सर ये क्या असल में वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट में कैसे निकालूं, उसके अंदर से क्या होगा? सर ये समझ नहीं आ रहा, ईयर थ्री के अंदर मैं इस तरह का ये प्रॉफिट कहाँ से अचीव करूँ, जब तक मुझे टोटल कॉस्ट नहीं पता होगी तो मैं सर कहाँ से निकालूँ? चले सर करते हैं, सर हाइलो मेथड से करते हैं। सर हाइलो मेथड में क्या होता था सर, आपने लास्ट क्विज में भी देखा था हाइलो मेथड, जिसके ऊपर मेरे को 2-3 बच्चों ने पूछा भी अलग से। सर मेरे पास कितनी चेंज इन कॉस्ट आई, चेंज इन कॉस्ट, बच्चों मेरे प्यारे बच्चों तुम लोगों को सबको पता है कि कभी भी, ठीक है, आपकी फिक्स कॉस्ट है ना वो फिक्स्ड ही रहती है, कभी भी वो इंक्रीज नहीं होती अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो कि इंक्रीमेंटल इतने यूनिट्स के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब एक मिसाल लेते हैं, मेरे पास ये एक बेकरी है, अब इस बेकरी का जो रेंट है ना वो 50,000 है, ठीक है। अब जब मैं अपना खर्चा निकालता हूँ ना, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले साल जो है ना कोई इसके अंदर 2,000 बिस्किट बनाए, आपके जो पार्ले जी समझ लें, मैंने पार्ले जी बनाए, इंडिया के अंदर बड़ा मशहूर ब्रांड है ये, हमने पार्ले जी बनाए 2,000 पैकेट्स, और सर इसके में पर कोई खर्चा आया समझ लो बेटा 40,000 का,
तो सर टोटल मेरा खर्चा था 90,000 का। अब सर नेक्स्ट ईयर में ना मेरी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो सर मैंने इसके अंदर जो है ना आपके बेचे 3,000। तो सर 3,000, तो सर 2,000 की यूनिट बनाने में आपका खर्चा लगा था 40,000 का। सर 3,000 यूनिट बनाने में आपका फॉर एग्जाम्पल लगा लो सर कितना लग गया आपका खर्चा, आपका लग गया सर 50,000 का। तो सर ये जो आपका फिक्स कॉस्ट है क्या सर ये चेंज होगी? नहीं बेटा, उसी फैक्ट्री में ही बनाया है ना, उसी बेकरी के अंदर कारखाने के अंदर बनवाया है ना, खाली हमारे क्या चेंज हुई है, अलग लेबर लगाई होगी, एक्स्ट्रा आटा लगाया होगा, एक्स्ट्रा चीनी लगाई होगी, एक्स्ट्रा दूध लगाया होगा, एक्स्ट्रा अंडा लगाया होगा, वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी होंगी। ये तो आपका रेंट तो इतना ही है ना, मालिक आके कभी ये थोड़ी बोलता है भाई अगर तू इतने प्रोड्यूस करेगा तो मैं इतना रेंट लूंगा, इतने प्रोड्यूस करेगा तो इतना रेंट लूंगा। नहीं भाई, आपकी जगह होती है, आपकी कैपेसिटी होती है, आप उसके हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है सर। चले अभी एक छोटी सी एग्जाम्पल देनी थी मैंने, तो सर मेरे पास ये जो दोनों साल में चेंज इन कॉस्ट कितनी हुई है, सर मेरे पास कॉस्ट के अंदर आपके पास जो ईयर टू में है सर वो आपके पास है 12,40,000 की कॉस्ट, ठीक है सर, और आपके पास जो पिछले साल में थी उससे 5,00,000। मतलब सर ईयर टू और ईयर वन में जो कॉस्ट आपकी चेंज हुई है ना सर 5,50,000 थी, सॉरी 5,50,000, सर वो आपकी हुई है 6,90,000 की। सर ये 6,90,000 की मेरी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई। सर ये कॉस्ट क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि बेटा मेरी सेल्स इंक्रीज हुई है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा सेल्स की हैं। सर कितनी सेल्स इंक्रीज कर ली? सर मैंने 16,50,000 की सेल्स पे ले गया, कहाँ से? 5,00,000 की सेल्स से। मतलब सर इंक्रीमेंटल सेल्स मैंने कितनी कर ली सर? सर मैंने 11,50,000 की इंक्रीमेंटल सेल्स कर ली। सर यहाँ पर सर हमने पुराने वीडियो में देखा था क्विज टू में, वहाँ पे तो आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिया था, वो आपके पास यूनिट्स आ गए थे, मगर सर मेरे पास यहाँ पे कोई यूनिट का डेटा नहीं दिया हुआ इस सवाल के अंदर। ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सर मुझे बताओ 11,50,000 की इंक्रीमेंटल सेल्स, एक एक्स्ट्रा सेल्स निकालने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा सर? 6,90,000 का। मतलब सर ये जो मेरा खर्चा है वो आपका कितना परसेंट है? सर वो मेरे हिसाब से अगर मैं 6,90,000 को डिवाइड करूँ 11,50,000 पे तो सर 60% मेरी वेरिएबल कॉस्ट है ऑफ सेल्स। अगर वेरिएबल कॉस्ट है वो 60% ऑफ सेल्स की है, अगर सर मेरे पास 100 रुपये की सेल्स होती है तो 60 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट होती है और 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करता हूँ। सर ये तो चीज़ें अब थोड़ी समझ में आने लगी रही हैं सर। सर इसको मैं कैसे करूं? सर मैं फिक्स कॉस्ट निकाल लूंगा। जी मेरे प्यारे बच्चे निकाल लो। सर कैसे निकालूं? सर सर फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सर टोटल कॉस्ट में से मैं माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट। सर मैं आप दोनों साल में करके दिखाएं, सर एक साल में मैं समझ नहीं आएगा। चले सर दोनों साल में देखते हैं, ईयर वन और ईयर टू। सर टोटल कॉस्ट ईयर वन में पास कितनी थी? सर मेरे पास थी 5,50,000 की, और ईयर टू में थी सर मेरे पास 12,40,000 की। सही टोटल कॉस्ट, तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट थी सर वो 60% ऑफ सेल्स थी। तो सेल्स मेरे पास कितनी है सर ईयर वन में? सर ईयर वन में मेरे पास सेल्स है 5,00,000 की। कितनी है बच्चों? 5,00,000 की सेल्स है। 5,00,000 की सेल्स का 60% आपका वेरिएबल कॉस्ट है, और सर यहाँ पे कितना है? सर आपके पास यहाँ पे थी 16,50,000 मल्टीप्लाई बाय 60% सर ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट थी। तो सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट हो गई प्यारे बच्चों 3,00,000 की। तो सर मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी बची सर? सर वो बची मेरे पास 2,50,000 की। फिक्स कॉस्ट बची 2,50,000 की। सर यहाँ पे 16,50,000 का 60% मेरे पास कितना था सर? यह आता सर मेरे पास लगभग कोई 9,90,000 का, और सर यहाँ पर भी मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाती है 2,50,000 की। सही है, अभी एग्जाम्पल समझ आ गई आप लोगों को? भले मेरी सेल्स इंक्रीज हुई है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, लेकिन फिक्स कॉस्ट मेरी सेम इंटैक्ट रहती है अनटिल एंड अनलेस मेंशन इन द क्वेश्चन कि आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है, वरना सेम रहती है ये। सर अब ये मेरा हो गया? जी सर हो गया। अब क्या करना है सर? सर अब एक छोटी सी चीज़ करनी है सर। सर क्या करना है? सर मेरे पास जो टारगेट प्रॉफिट है सर, फिक्स कॉस्ट तो मैंने निकाल ली, सर मेरा टारगेट प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है 4,42,000 आफ्टर टैक्स। सर बिफोर टैक्स करने के लिए मुझे कितना जनरेट करना पड़ेगा प्रॉफिट? सर मेरे पास एक परफॉर्मा पहले बना लूँ इसका ईयर थ्री का। सर क्या परफॉर्मा बनाना है? सर वही सेल्स, मुझे नहीं पता, ठीक है सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन
वेरिएबल कॉस्ट सर, जो वेरिएबल कॉस्ट होगी ना सर, वो 60% ऑफ सेल्स होगी। यार 60% ऑफ सेल्स होगी सर, जब मैं माइनस करूंगा ना मेरे पास सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, जो कितना होगा सर, होगा 40%। सही है सर। फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास है कितनी है सर, 2.5 लाख। ठीक है सर, 2.5 लाख है। तो सर मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे अभी नहीं पता, टैक्स जो है ना सर वो मैंने देना है कितना सर, 32%। उसके बाद आके सर मेरे पास जो फिगर आएगी, मेरा जो प्रॉफिट है, जो मेरा टारगेट है वो है सर कितना, वो है सर मेरा 4,42,000 का। तो सर ये 4,42,000 है, ये इसका 68% रिप्रेजेंट कर रहा होगा जी सर, क्योंकि सर 32% तो मैं टैक्स खा जाऊंगा। तो सर तो मैं ग्रॉस अप करूं इसको, 442,000 को डिवाइड करूं 68% से, तो सर मेरे पास आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है कितना, 6,50,000। तो सर मेरे पास का मैं 32% निकालूं सर कितना जाता है सर, वो जाता है 2,08,000। इन दोनों का माइनस करें, ये इसका 32% है, तो मैं पा जाता 4,42,000। मतलब सर मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कोई ऐसी फिगर होगी, कोई ऐसी बैलेंसिंग फिगर है जिसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख को माइनस किया तो 6.5 लाख का मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो सर मेरे पास मतलब 9 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। और सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 40% ऑफ सेल्स को। तो सर इसका जब मैं 40% का मैं इसको डिवाइड करूँ 40% से, तो सर मेरे पास सेल्स आ गई 2.25 मिलियन। और सर इसी का जो 60% है, 60% क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट है सर, वो कितनी आ गई, वो आ गई सर 13,50,000। तो सर ये मेरा बन गया परफॉर्मा जो आपका आंसर रिक्वायर्ड था। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, एंड आई विल आंसर योर क्वेरी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, बी प्रिपेयर फॉर क्विज नंबर 4। अल्लाह हाफिज़।